मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी पर्यटन परियोजनाओं के कार्य निर्धारित समय अवधि में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए जिनका निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। कोरोना के कारण प्रदेश में पिछले काफी लंबे समय से पर्यटन गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। ऐसे में पहले से चल रही पर्यटन परियोजनाओं का निर्माण कार्य भी प्रभावित हुआ है। मुख्यमंत्री ने इन योजनाओं को अब तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र की असीम संभावनाएं हैं और राज्य सरकार पर्यटकों को बेहतरीन पर्यटन अधोसंरचना उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि मंडी जिले के जंजैहली में पर्यटन केंद्र का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, जिस पर 25.17 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और ये केंद्र इस घाटी की यात्रा पर आने वाले सैलानियों के लिए आकर्षण का अतिरिक्त केंद्र बनेगा। इसी तरह कांगड़ा में चंबा में भी कई पर्यटन परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इन योजनाओं के पूरा होते ही प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इन सभी परियोजनाओं पर हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड की 11वीं बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों से चर्चा की और परियोजनाओं के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। टूरिज्म बोर्ड की हमारी जो है और उसमें हिमाचल प्रदेश में जो हमारी नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, नए जो प्रोजेक्ट वहाँ पर शुरू किए हैं उसके प्रोग्रेस को हमने मॉनिटर किया और कुछ इश्यूज थे डिपार्टमेंट के अंदर जो है जिनको चर्चा करके उसका समाधान करना था। कुछ जगह प्रोजेक्ट कहाँ से हम और डेवलप कर सकते हैं, उन चीज़ों को लेकर के चर्चा हुई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बैठक में कई परियोजनाओं पर चर्चा की गई। इस दौरान नए प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस रिपोर्ट पर चर्चा के साथ ही निर्माण कार्य में तेजी लाने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना को लेकर भी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। कोविड के मामलों में बढ़ोतरी तो बहुत ज्यादा हुई है पूरे देश भर में, महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा, लेकिन फिर उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश में भी काफी बड़ी बढ़ोतरी देख रहे हैं। लगातार हो रही है और तेज गति से हो रही है, चिंता का विषय है। लेकिन हमने सारे विषय को लेकर के पिछले कल भी हमने डिटेल में एक मीटिंग की है जिसमें गियर अप कर दिया सारा प्लान हमने, जो होम आइसोलेशन के लिए है वो होम आइसोलेशन में उनकी हम किस प्रकार से बेहतर ढंग से उनको जो है वो उनको मॉनिटर कर सके उसका मैकेनिज्म, और उसके बाद बेड कैपेसिटी को हम कितना जल्दी हम बढ़ा सकते हैं उसके लिए हमने प्लान कर लिया। सभी डिस्ट्रिक्ट के सामने वो प्लान दे दिया गया है, वो वर्कआउट कर। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी, इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं, करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि एक वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे, लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े, भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं लोकनीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट
राष्ट्रीय लोक नीति.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर। बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।